भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कई तरह की चर्चाएं होती हैं। बात चाहे भाजपा की करें या कांग्रेसी नेताओं की, सिंधिया की राजनीति पर सकारात्मक और नकारात्मक टिप्पणियां अक्सर सुनाई देती रहती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र बिंदु सिंधिया हमेशा बने रहते हैं। चर्चा ये भी है कि बीजेपी में परिस्थितियां ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुकूल नहीं है। इन्हीं सब के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल पर कहा है कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, हर किसी को पचाने में सक्षम है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्वालियर के पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक पत्रकार ने उनसे ग्वालियर में गुटबाजी को लेकर सवाल किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने सधे हुए अंदाज में कहा, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, हर किसी को पचाने में सक्षम है। आपको बता दें, सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। इस क्षेत्र में बीजेपी के कई नेता हैं जिनका इलाके में अपना अलग प्रभुत्व है। सिंधिया के आ जाने के बाद इन नेताओं को लगता है कि उनका कद घट गया है। बीते दिनों ग्वालियर में सिंधिया के लापता होने के पोस्टर लगे। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर दौरे पर थे। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सिंधिया कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। तोमर के बयान से सिंधिया समर्थकों को मिर्ची लगी। खुलकर किसी ने नरेंद्र सिंह तोमर पर पलटवार नहीं किया, लेकिन दबी जुबान में सिंधिया समर्थकों ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद जनप्रतिनिधि से बढ़ा है। वहीं इससे पहले तोमर के समर्थकों ने ग्वालियर नगर अध्यक्ष के नियुक्ति का भी विरोध किया। आपको बता दें, सियासत में सब कुछ सीधी जुबान से नहीं होता, हर बात सीधी जुबान से नहीं कही जाती, समझदार के लिए इशारा काफी है। एमपी में सरकार गठन को लेकर भले ही नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर जाकर सिंधिया ने खूब माथापच्ची की है, लेकिन अब तोमर के बयान उनके समर्थकों को चुभ रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे, जिनकी जगह अब सिंधिया ने ले ली है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।